subscribe to Khabar Update and press the bell icon for never miss any news. भोले के भक्तों के लिए पाकिस्तान से आई है अच्छी खबर। पाकिस्तान सरकार ने पाकिस्तानी हिंदुओं को दिया है बड़ा तोहफा। आजादी के बाद पहली बार खुल रहा है सियालकोट का प्राचीन मंदिर। बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय हुआ था मंदिर पर हमला। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। आमतौर पर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का असर दोनों तरफ की आवामों पर भी देखा जाता है। हाल ही में 14 फरवरी को हुए पुलवामा हमले के बाद कुछ ऐसे ही हालात बने थे, लेकिन अब पाकिस्तान ने कुछ ऐसा किया है जिसने भारत में मेजोरिटी में रहने वाले हिंदू खुश होंगे। दरअसल पाकिस्तान के पंजाब स्थित सियालकोट में 1000 साल पुराने हिंदू मंदिर को दोबारा पूजा पाठ के लिए खोला जा रहा है। पिछले 72 सालों से ये मंदिर बंद पड़ा था। धारोवाल में 1000 साल पुराने सवाल तेजा सिंह मंदिर का निर्माण सरदार तेजा सिंह ने कराया था, जिसे बंटवारे के दौरान साल 1947 में बंद कर दिया गया था। हालांकि लोगों का यहां आना जाना लगा रहता था, लेकिन वर्ष 1992 में अयोध्या के विवादित ढांचा विध्वंस के बाद इस मंदिर पर भी उपद्रवियों ने हमला बोल दिया था। इसके बाद से यहां श्रद्धालुओं का आना भी बंद हो गया था। इस बारे में जानकारी देते हुए क्षेत्र के डिप्टी कमिश्नर बिलाल हैदर ने कहा कि लोग कभी भी यहां आने को आजाद है। सरकार की तरफ से कहा गया कि मंदिर का जीर्णोद्वार और रख रखाव का काम जल्द ही शुरू किया जाएगा। ये मंदिर 5 अगस्त को औपचारिक रूप से खोल दिया जाएगा। बता दें कि पाकिस्तान में हिंदू माइनॉरिटी समुदाय है। पाकिस्तान से इनके जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराए जाने की खबरें आती रहती है। ऐसे में पाकिस्तान सरकार का यह फैसला इनके लिए बड़ी खुशखबरी है। बता दें कि हाल ही में पाकिस्तानी पीएम इमरान खान ने जबरन धर्म परिवर्तन पर एक बयान देते हुए इसे गैर इस्लामिक बताया था। पहले करतारपुर कॉरिडोर और अब सियालकोट मंदिर पर इमरान खान के रवैये ने वहां के माइनॉरिटी समुदाय को एक बड़ी ही आशा दी है। बता दें कि पाकिस्तान के इवेक्यूई ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड के तहत आने वाले 1100 मंदिर और 500 गुरुद्वारे ऐसे हैं जिनके खुलने का इंतजार यहां का हिंदू और सिख समुदाय कर रहा है। खबर अपडेट की रिपोर्ट।